वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आपको सब ध्यान में तो है ही है, और ये मैंने बता ही दिया कि ये कोई बहुत धरातल की समस्या नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और पॉलिटिकल एजेंडे का जवाब या तो दे सकते हम सरकारी कोई भय का वातावरण बना करके, डंडा उठा करके, आज हम कोई किसी प्रदर्शन को या किसी चीज को दबाना हो तो सरकार के एक ऑर्डर से वो खत्म हो सकता है। लेकिन अपने को पता है कि आखिर तो प्रदेश अपना है, समाज अपना है, और ये जो विद्रोही मूड लेकर के बैठे किसान ये भी अपने हैं, ये किसी और के तो है नहीं। कोई ऐसे तो हम नहीं कह सकते हमारे को दुश्मन है। माथा खराब कर देते हैं कई बार लोग, कभी कोई लालच देके, कभी कोई लालच देके, ये अपने मंसूबे उनके राजनीतिक होते हैं। लेकिन जितना बड़ा ये सारा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि इसको हम, खास करके हमारा जो किसान मोर्चा, ये अगर एक्टिव हो तो ये संभाल नहीं सकता। कुछ नए किसानों के जो संगठन और उभर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे चलाना पड़ेगा। और अगर हर जिले में, खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हज़ार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ, और फिर जगह जगह सठे साठम समाचरे, क्या अर्थ होता है इसका, सठे साठम समाचरे क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, खा लो ठंडे, ठीक है।